सो वेलकम बैक गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हमारे पास आ चुकी है लावा की तरफ से आने वाली है वॉच इस बड़े से स्पेशल बॉक्स के अंदर। और गाइस, अगर आपको नहीं पता ना तो ये लावा की सबसे पहली वॉच है, तो इस वॉच को टेस्ट करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस वॉच के बारे में सभी चीजें बताने वाला हूँ कि कैसी ये वॉच और क्या क्या है इसके फीचर्स। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिए तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये बड़ा सा बॉक्स देखने को मिलता है जिसके ऊपर लिखा है टफ है प्रो और ये गोरिल्ला की पिक्चर बनी हुई है। तो गाइस, लगता है वॉच काफी मजबूत होने वाली है। और जैसे मैं इस बॉक्स को ओपन करते हैं ना, हमें सामने ये वॉच का रिटेल बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि आप सभी लोगों को मिलेगा। और गाइस, बॉक्स के अंदर काफी बड़ी लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल इस बड़े से बॉक्स को रखते हैं साइड में और बात करते हैं इस वॉच की। तो गाइस, ये है इस वॉच का रिटेल बॉक्स, तो चलिए जल्दी से इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस, इस बॉक्स को ओपन करते हमें सबसे पहले हमारी वॉच देखने को मिल जाती है और इस वॉच के नीचे हमें ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल दी हुई है जो कि वॉच से मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाएगी और इसको चार्ज कर लेगी। और इसके नीचे हमें एक और ये सेक्शन देखने को मिलता है जिसके अंदर तो सबसे पहले हमें एक ये कार्ड मिलता है यूजर मैनुअल लिखा हुआ है। और अगर इसको हम ऐसे पलटे ना तो इसके ऊपर लिखा हुआ है यूजर मैनुअल्स आर फॉर किड्स द प्रोस स्कैन QR कोड। तो गाइस, प्रो तो QR कोड को स्कैन कर लो। और गाइस, इसी मैनुअल के साथ हमें ये कूल कूल से स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, ये तो हो गई इसकी अनबॉक्सिंग, अब सीधा बात करते हैं इस वॉच के बारे में। तो गाइस, ये है लावा प्रो वॉच ZL, लावा की सबसे पहली वॉच। तो अगर मैं बात करूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिलता है। और अगर मैं इस स्ट्रैप की बात करूँ ना तो मुझे इसकी क्वालिटी तो काफी सही लग रही है। और हाँ, हमें इस वॉच के अंदर दो वेरियंट देखने को मिलते हैं, एक तो ये सिलिकॉन स्ट्रैप वाला और एक मेटेलिक स्ट्रैप वाला। तो आप दोनों वेरियंट में चूज कर सकते हैं कि आपको ये सिलिकॉन स्ट्रैप ज्यादा सही लगता है फिर मेटेलिक स्ट्रैप। और गाइस, इस वॉच का जो डायल है ना वो भी कोरोजन फ्री मेटल से बना हुआ है, जिसका मतलब है कि आप इसको पहन के जॉगिंग वगैरह करते हो या फिर आपको ज्यादा पसीना वगैरह आता है ना, तब भी इस वॉच को आपके पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एकदम जैसी है वैसी रहेगी। और अगर मैं बात करूं फ्रंट की, तो फ्रंट में हमें ये 1.43 इंचेस का 2.5D वाला एमोलेड गोवर्ड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और जितना मैंने इस वॉच को यूज किया ना, मुझे ये स्क्रीन काफी रिस्पॉन्सिव लगी और क्योंकि अच्छी खासी ब्राइटनेस देखने को मिलती है हमें इसके अंदर, तो सनलाइट में भी आपको इसकी डिस्प्ले एकदम बढ़िया से विजिबल होगी। और गाइस, जनरली हमें वॉच के अंदर ये चीज देखने को नहीं मिलती, लेकिन हमें इस वॉच के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है जो कि गाइस मुझे तो काफी सही चीज लगी क्योंकि काफी सारे लोग वॉचेस को पहन के जिम वगैरह जाते हैं, वहां पे वेट लिफ्ट वगैरह करते हैं, तो कई बार उनकी वॉच मशीन पे लग जाती है या फिर वेट वगैरह पे लग जाती है तो स्क्रीन टूटने का खतरा रहता है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, तो आप इसको पहन के कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हो या जिम जा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और गाइस, जहां तक बात रही बेजल्स की, तो हाँ गाइस, आपको इस वॉच के अंदर बेजल्स तो देखने को मिलेंगे। और इस वॉच के राइट साइड में हमें दो बटन्स देखने को मिलते हैं, नीचे वाले बटन से तो आपके जितने भी स्पोर्ट्स मोड होंगे ना वो आपको शो हो जाएंगे, और ऊपर वाला हमें ये पावर और बैक बटन दिया हुआ है विद क्राउन, और आप इस क्राउन को काफी जगह यूज कर सकते हो, जैसे कि वॉच फेसेस को चेंज करना हो या फिर मेन्यू को स्क्रोल करना हो या फिर और भी काफी सारी चीजें जिसके अंदर आप इस क्राउन को यूज कर सकते हो। और इन्हीं दोनों बटन्स के बीच में हमें ये माइक देखने को मिल जाता है और बैक साइड में हमें ये हाई एक्यूरेसी PPG सेंसर्स देखने को मिलते हैं जिससे आप अपने हर्ट रेट और SpO2 को काफी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। और गाइस, वाकई में काफी एक्यूरेटली ये मेजर कर लेता है। और हाँ, इन्हीं सेंसर्स के नीचे हमें ये चार्जिंग कनेक्टर्स देखने को मिलते हैं और इस सेंसर के ऊपर की तरफ एकदम कोने में हमें स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। और गाइस, ये वॉच इतनी ज्यादा कोई मोटी भी नहीं है, एकदम नॉर्मल वॉच की तरह ही है। और गाइस, इसके अंदर Realtek की चिपसेट यूज की गई है जो कि काफी पावरफुल है और काफी एफिशिएंट चिपसेट है वॉच के हिसाब से। और गाइस, बेटर कनेक्टिविटी के लिए हमें इस वॉच के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलता है। और जितना मैंने इस वॉच को यूज किया ना, मुझे कनेक्टिविटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो हमें इस वॉच के अंदर 350mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 1 आवर में फुल चार्ज हो जाएगी। और अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हो ना, तो आपको आराम से 7 से 8 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और हमें इस वॉच के अंदर IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग भी देखने को मिलती है, तो अगर आप स्विमिंग वगैरह करते हो ना तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये वॉच आराम से पानी को झेल लेगी। तो गाइस, ये तो बात होगी इसके हार्डवेयर की, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर की बात करें ना, मतलब UI, तो इसका UI भी काफी सिंपल है। ये पावर बटन दबाते ही ये वॉच ऑन हो जाती है, और यहाँ से अगर हम लेफ्ट की तरफ स्लाइड करें ना, तो हमें अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है जैसे कि एक्टिविटी डाटा, हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर, वेदर वगैरह, म्यूजिक कंट्रोल, सब देखने को मिल जाता है। और टॉप से स्लाइड करने पे हमें यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जैसे कि ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए या फिर फ्लिप टू वेकअप को ऑन या ऑफ करने के लिए, और 3-4 और मिल जाते हैं।
जाता है ऑप्शन और नीचे से स्लाइड करने पे हमें ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है जो कि हमारे फोन में आई होगी लेकिन हमें वॉच में भी दिख जाएगी। और राइट की तरफ स्लाइड करने पे हमें ये मेन्यू देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर हमें जरूरत की सारी चीजें देखने को मिलती है जैसे कि हार्ट रेट सेंसर, SPO2 मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, वेदर, अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच वगैरह सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएगी। और हमें इस वॉच के अंदर 4 गेम्स भी देखने को मिलती है तो वो भी अगर आप कहीं पे बोर हो रहे हो ना तो खेल सकते हो इसके अंदर। और हमें ब्लूटूथ कॉलिंग और क्विक रिप्लाई का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस वॉच के अंदर। और अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स मोड्स की तो हमें इस वॉच के लिए 110 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स देखने को मिलते हैं लेकिन आप एक टाइम पे इस वॉच के अंदर 15 स्पोर्ट्स मोड यूज कर सकते हो। अगर आपको दूसरे स्पोर्ट्स मोड चाहिए ना आप इस वॉच के ऐप के जरिए इसके जितने भी स्पोर्ट्स मोड है ना उनको चेंज कर सकते हो। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमें इसके अंदर 110 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं लेकिन वॉच के अंदर हम एक साथ सभी को यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलरली जो भी स्पोर्ट्स खेलते हो ना वही स्पोर्ट्स इस वॉच के अंदर ऐड करके रखिएगा तो आपको ऐसे बार बार स्पोर्ट्स मोड को ऐसे चेंज नहीं करना पड़ेगा। और जहां तक बात है इस वॉच के ऐप की तो उसका नाम है प्रो स्पोर्ट जो कि हमें गूगल प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। और ये जो ऐप है ना वो भी काफी ज्यादा सिंपल है, हमें होम वाले सेक्शन में हमारे जितने भी हेल्थ वाले पैरामीटर्स होंगे ना वो शो हो जाएंगे जैसे कि स्टेप्स, हार्ट रेट, डिस्टेंस, कैलोरी, SPO2, स्लीप वगैरह। और सबसे नीचे हमें ये वॉच फेसेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे हमें 150 से भी ज्यादा फेस वॉचेस मिलते हैं और हम हमारा कस्टमाइज वॉच फेस भी लगा सकते हैं इसके अंदर। और साइड में हमें ये गोल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे हम हमारे डेली गोल्स को सेट कर सकते हैं और उसके साइड में हमें वॉच की सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ से हम वॉच की सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं जैसे कि नोटिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं या फिर अलार्म को सेट कर सकते हैं या फिर वॉच को एज अ शटर बटन भी यूज कर सकते हैं हमारे फोन के लिए। और हमें कॉन्टेक्ट डालने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है और हमें स्पोर्ट्स मोड को चेंज वगैरह करने के लिए यही पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमें ये अदर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है जहाँ पे हमें रेस टू वेकअप, डू नॉट डिस्टर्ब, टाइम फॉर्मेट या फिर वेदर जैसे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके नीचे हमें वॉच के फर्मवेयर को अपडेट करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है लेकिन हमारी वॉच एकदम अप टू डेट है। तो गाइस ये थे लावा प्रो वॉच ZN की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन। और गाइस फर्स्ट इंप्रेशन में तो मुझे ये वॉच काफी सही लगी, काफी हल्की वॉच है और पहनने में भी काफी कंफर्टेबल है ये। और जहां तक बात है फीचर्स की तो हमें इसके अंदर सारे नेसेसरी फीचर्स देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फीचर मिस कर दिया या फिर कोई फीचर सही से काम नहीं कर रहा, जितने भी फीचर्स दिए ना हमें इस वॉच में सभी सही से और काफी एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। तो गाइस ओवरऑल अगर बात करो ना तो मुझे तो ये वॉच काफी सही लगी। तो गाइस अगर आप भी कोई ऐसे स्टाइलिश, कूल या फिर टफ स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो ना जिसके अंदर आपको सारे नेसेसरी फीचर्स मिल जाए तो गाइस लावा प्रो वॉच ZN आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस हो सकती है, तो जरूर से इसको चेकअप कीजिएगा। और गाइस ये वॉच लॉन्च होने वाली है 23 अप्रैल 1 PM को, जिसको मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वॉच लॉन्च हो चुकी है। और ये वॉच एक स्पेशल प्राइस पर लॉन्च होने वाली है जो कि 2599। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वॉच का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस वॉच को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये लावा प्रो वॉच ZN कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। एंड होप सो आपको ये वीडियो काफी काम में आई होगी और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।